नमस्कार, वंजल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कद्दू से मसाला पूड़ी बनाना बताएंगे। हमने लिया है कद्दू। कद्दू को धो लें, कट करें और बीज हटाएं, और ग्रेटर की हेल्प से हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमने लिया है 2 से 3 कप गेहूं का आटा। अब इसमें ऐड करें ग्रेट किया हुआ कद्दू, अजवाइन। अजवाइन को हाथ पर लेकर इस तरह से क्रश कर लें। स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये ऑप्शनल है, जीरा, हींग पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, 1 से 1.5 इंच का ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा। सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सभी चीजों को मिक्स कर लिया है और इसमें ऐड करें कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है। कसूरी मेथी से मसाला पूड़ी का टेस्ट और ज्यादा अच्छा आता है। सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा पानी डालें और इसका डो बनाकर तैयार करें। ध्यान रखें कि पानी कम कम करके ही डालें, क्योंकि हमने इसमें कद्दू डाला है। जिस तरह से हम पूड़ी बनाने के लिए सिंपल आटा लगाते हैं, उसी तरह से हमें उतना ही सख्त आटा हमें ये लगाना है। हमने पूड़ी बनाने के लिए डो बनाकर तैयार कर लिया है। हमने जो डो बनाया था उससे लोई बनाया। देखिए, हमने लोई बना ली है। अब हम इनको बेलेंगे। इस तरह से ऑयल लगाएं और दबाते हुए बेलें। इसे हमें ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम ही बेलें। अब हमने पहले गैस पर एक पैन रखकर उसमें ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल गरम हो चुका है। अब हमने जो पूड़ी बेली है उन पूड़ी को ऑयल में डालें। 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने दें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब पूड़ी को पलट दें और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने दें। पूड़ी फ्राई हो चुकी है, इसको सर्व करें। स्वादिष्ट कद्दू की हेल्दी टेस्टी मसाला पूड़ी बनकर तैयार है। इन्हें आप हरी चटनी, टमाटर की सब्जी, अचार, दही किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, और आप ट्रेवल करें तो उसमें भी ले जा सकते हैं। आप भी इस तरह से कद्दू की मसाला पूड़ी बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।